हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यमी रेसिपीज बाय पल्लवी। आज मैं आपके लिए ओट से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आइए उसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी ओट्स लिए हैं। क्या आप जानते हैं, ओट्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और ब्रेकफास्ट में तो ओट्स खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया रहता है और वेट लॉस में भी मदद मिलती है। तो इसको हम सबसे पहले मिक्सी में पीस लेते हैं। ओट्स को हमने ग्राइंड कर लिया है, देखिए। और अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं और इनको अच्छे से मैश कर लिया है। और अब इसमें मैंने जो ओट्स का पाउडर बनाया है इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक बारीक कटा हुआ प्याज है। एक गाजर जिसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। एक शिमला मिर्च। वेजेस आप अपनी पसंद की कोई भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक को ऐड कर लीजिए। मिर्च, अमचूर पाउडर, सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आइए के कटलेट बनाते हैं। यहाँ पर मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया था। आप कोई भी शेप रख सकते हैं कटलेट की। मैं यहाँ पर इनको गोल शेप दे रही हूँ। इस तरीके से आप बनाते जाइए। इस तरीके से मैंने इनको तैयार कर लिया है और आइए इनको डीप फ्राई करते हैं। यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो गया है और एक एक करके मैं इसमें इनको छोड़ रही हूँ। कटलेट्स हमारे बनकर तैयार हैं। आइए इनको निकाल लेते हैं। कढ़ाई को मैंने दूसरी गैस पर ट्रांसफर कर दिया है और अभी इन्हीं कटलेट्स को मैं एक और हेल्दी वर्जन से बनाना दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास अपे पैन है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब हम अपनी इन बॉल्स को इसमें डालते जाएंगे। तो होते हैं जो ऑयली फूड खाना पसंद नहीं करते, तो वो इस तरीके से बनाकर इनको खा सकते हैं। इनके ऊपर भी आप हल्का हल्का सा ऑयल डाल दीजिए और गैस की फ्लेम यहाँ पर इस समय मीडियम की हुई है और इनको कवर करके रख दीजिए। आइए इनको चेक करते हैं। तरीके से धीरे से इनको टर्न कर लीजिए। तरीके से मैंने सभी को टर्न कर लिया है और अब इसको नीचे से भी हम सिकने देते हैं। इसको चेक करते हैं, ये बनकर तैयार है। हाँ, इनको निकाल लेते हैं। देखिए, सब और से अच्छे से ये कुक हो गए हैं। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और इनको निकाल लेते हैं। हमारे ओट्स कटलेट बनकर तैयार हैं, जिसे आज मैंने 2 तरीके से बनाना बताया है। और ओट्स जो कि फुल ऑफ फाइबर होते हैं और विटामिन्स और प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।